कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपी सर्वपिता कंतो श्री राधा का नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदत्तये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्मा नितिला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री 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 माधु भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा नितिला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री 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 माधु भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोगों का बहुत अच्छा दिन है। श्री रविंद्र प्रभु जतन का नाम क्या है? दमयंती दीदी कहाँ है क्या? कहाँ है दमयंती दीदी? उपस्थित हुए श्री सुतो गोस्वामी सौनकाद ऋषियों को कहते हैं। ये सौनकाद ऋषियों बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र जथा चुतादर कथा प्रसंग। इसका मतलब है जिस दिन घर में भक्त लोग आए, घर में हरि कीर्तन हो, घर में भगवान की कथा हो, कह तो घर क्या बन जाती है? कह तो घर नहीं, बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र। कहते पृथ्वी के जितने सारे तीर्थ है, कह तो सारे तीर्थ वहीं पर आकर के उपस्थित। इसलिए जिस समय श्री चतुसन भगवान की कथा भागवत कथा सुनाने जा रहे थे, कहते तो वहां पर पृथ्वी के जितने सारे तीर्थ है वो तो साक्षात रूप में मूर्तिमान रूप में वहां पर आए। कहते यहाँ तक भी स्वर्ग से जितने देवता लोग आए वो भी वहां से भागते भागते वो भी दौड़ दौड़ करके आए। बोले जितने ऋषि मुनि थे गौतम पराशर व्यास नारद कभी ये सब लोग भी वहां पर सबके सब उपस्थित हुए हैं। और वहां पर जितने दंडकारण आदि जितने वन भी वहां पर उपस्थित हुए। और जब श्री भगवत कथा करने जा रहे थे चतुसर, कहते स्वर्ग से सारे देवता लोग भी पुष्पों की बौछार करते हैं। इसका मतलब है जिस दिन घर में प्रभु की कीर्तन भगवान की कथा होने लग जाए, कहते वहां तक सारे देवता भी वहां पर आकर के उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं, कहते पृथ्वी में इतने सारे तीर्थ है, अगर कोई चाहे सारे तीर्थ में हम स्नान करें, ये संभव है क्या? भले ये असंभव है। पृथ्वी में इतने तीर्थ है, इतने तीर्थ है। मैं कभी मॉरीशस में गया था, वहां पर देखा गंगा है, मॉरीशस में गंगा है। और रसिया, कहते इसका नाम रसिया क्यों है? कहते वो ऋषि सिंह मुनि का स्थान है, वहां पर भी बड़े पवित्र पवित्र नदियां वहां पर भी है, हैं? क्योंकि पहले संपूर्ण पृथ्वी पहले एक ही था, है? संपूर्ण पृथ्वी एक ही था। इसलिए यहाँ पर सुतो गोस्वामी कहते हैं ऐसे कौन सा उपाय है जो हम सबके सब एक साथ में सारे तीर्थ में
स्नान कर सकते, ऐसे कोई उपाय है? तब केवल एक ही उपाय है, अगर भगवत कथा रूपी गंगा में कोई स्नान कर ले, समझना बैठे बैठे करके सारे तीर्थ में तुम्हारी स्नान हो जाएगी। कहते वहां से भी ज्यादा फल है। अब लोग गए हो हरिद्वार में देवदेव, वहां पर गंगा में नहाया, कौन कौन नहाए गंगा में हरिद्वार में? देखना वहां पर लिखा हुआ रहता है सावधान, वहां पर सावधान, क्योंकि वहां गंगा बड़ी तेजी से बह रही है। अगर थोड़ी से आगे गए ना पूरा पूरा ले जाएगी, पूरा गहरा पानी, सावधान आगे मत जाओ, गहरा पानी। अगर गंगा में ज्यादा डूब जाओ तो क्या होगा, डूब कर मर जाओगे। लेकिन आपने कभी ये सुना कथा रूपी गंगा में मत नहाओ, ज्यादा मत डूब लगा? बल्कि वहां कहता है जितने हो सके भगवान की कथा रूपी गंगा में जितने तुम डूब सकते हो उतना तुम तैर जाओगे, उतना हम तैर जाओगे। इसलिए कहते भगवत कथा रूपी गंगा में नहाने पर वो डूबेगा नहीं, मरेगा नहीं, वो सबके सब तैर जाएगी, है वो सबके सब तैर जाएगी। इसलिए समझो आज हम लोग श्री रविंद्र प्रभु जी घर में, इधर आ जाओ, उनको पत्नी क्या नाम, इधर आओ, बाद में काम कर लेना, बैठ जाओ, बैठ जाओ, वहीं पर बैठ जाओ। इसलिए इसलिए आज हम लोगों को बड़े सौभाग्यवान हैं जो कि हम सबके सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हरि कीर्तन और भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। इसलिए ये घर नहीं बन गया, कहते पृथ्वी का सारे तीर्थ का निवास हो गया। इसलिए शास्त्र कहता है, इसलिए जब श्री गर्गाचार्य श्री नंद बाबा का घर में आए तो नंद बाबा ये बात को स्वयं कहते हैं, कहते महत विचलनाम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम निस्रसाय भगवत अन्यथा कल्पते कोचि। तब श्री नंद बाबा कहते हैं आज तो मेरे गृह धन्य हो गया है। बोले क्यों? बोले आज घर में श्री गर्गाचार्य आए, उसे क्या देते हैं, जब तक घर में साधु लोग नहीं आते ना, जब तक घर में हरि कीर्तन हरि चर्चा नहीं हो, वो कहते हैं ये गृहस्थ गृहस्थ घर नहीं पवित्र नहीं होता है। घर में भक्त लोग आएंगे तभी हरि कथा होगी हरि चर्चा होगी, तब तो सारे पाप खत्म हो जाते हैं, घर का सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। कहते मंगल भवन अमंगल आ रहा, अगर साधु लोग नहीं आएंगे तो साधु लोग आएंगे तो भगवत मंदिर हो जाता है, अगर साधु लोग नहीं आए फिर घर में कौन आएगा? जितने जुआरी जितने मदिरा पीने वाले हैं जितने मांस खाने वाले फिर घर में वो लोग आएंगे, वही लोग आएंगे ना, और कौन आएगा? इसलिए कहते अगर भक्त लोग नहीं आएंगे तो कई सारे गंदे लोग आएंगे घर में, फिर घर को क्या बनाएंगे, श्मशान बना देते। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे जहां पर मुर्दा जलता है उसको क्या कहते हैं, श्मशान कहते हैं। जहां पर घर में फिर मांस मछली बनी हुई फिर क्या होगा, घर क्या बन गया, फिर घर घर की नहीं रह जाती है। इसलिए श्री गर्गाचार्य यहाँ पर श्री नंद बाबा कहते हैं आज तो मेरे घर धन्य हो गया। बोले क्यों? आज घर में श्री गर्गाचार्य जी आए, साधु लोग आए हैं, घर में आए तो घर पवित्र होगी, घर में हरि चर्चा होगी, घर में हरि कीर्तन होगी, हमारे घर आज पवित्र हो गया। तब श्री नंद बाबा कहते हैं साधु लोग हमारे घर में क्यों आते हैं? क्या कुछ लेने के लिए आते हैं? ना कुछ देने के लिए आते हैं। हम तो कहेंगे नहीं, हम तो साधुओं को कुछ देते हैं, साधुओं को तो कुछ देते हैं, थोड़ी लेते हैं। कहते नहीं, साधु लोग है ना, हमें एक महान चीज देने के लिए आते हैं। गृहस्थ लोग तो कुछ देते हैं, लेकिन वो जो चीज को देने के लिए आते हैं जो अनमोल वस्तु है, वो एक अनमोल वस्तु देने के लिए आते हैं। इसलिए श्री नंद बाबा कहते हैं हम कौन है? बोले गृहिणाम दीन चेतसा, जो संसार की जो व्यक्ति उनका चित्त तो बहुत क्षुद्र है। देखना सवेरे से लेकर के रात्रि तक किस चीज में, सवेरे उठते घर में हल्दी है कि नहीं, नमक है कि नहीं, चावल है कि नहीं, आटा है कि नहीं, है? अब देखना हमारा दिमाग ना वही आटा चावल नमक में जिंदगी भर सारा जीवन देखना उसमें घूमती रहती है। सवेरे से लेकर के शाम तक देखना केवल यही चीज को दिमाग में यही घूमती रहती है, यही चीज घूमती रहती है। बोले ये साधु लोग हमारे घर में क्यों आते हैं? बोले इसलिए आते हैं, नंद बाबा कहते हमें जगाने के लिए। इसलिए कहते ना जीव जाग जीव जाग गोरा चंद बोले
तत निद्रा जाओ माया पीसा चीर खोले भजी बली आए से संसार बितरे बोली आ रही ले तुम्हें अविद्यार बोरे। इसलिए भक्तिमान ठाकुर कहते हैं वो हमें जगाने के लिए आते हैं, हम भगवान को मातृ गर्भ से जब हम इसी जगत में आए हैं। भगवान कहते हैं जब गर्भ में 7 महीना होता है जीवों को, उनको 1000 जन्म के बाद याद आते हैं, देखता है कौन सा नरक में आ गया। भगवान कहते कपिल देव माँ गर्भ में आना और नरक में आना बराबर है, इसलिए नरक में हम आए 1000 जन्म के बाद याद आता है पूर्व पूर्व जन्म में मैंने क्या क्या उल्टा पुलटा कर्म किया, और सुख का समय में सारे साथ हमारे थे लेकिन जब दुख उठा रहे कोई है नहीं हमारे साथ, वो परिवार कहाँ, वो बीवी कहाँ, वो बच्चे कहाँ, दुनिया कोई है नहीं, कर्म का फल हमें अकेला लेना पड़ता है। फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं बोले प्रभु हमको ये नरक से निकालो, ये गर्भ समय एक बार केवल चांद से दो ठाकुर जी दर्शन देते हैं। बोले अभी बताओ क्या करोगे, बोले मैं समझ गया संसार में कोई किसी का नहीं, ये मतलब का संसार है, केवल एक बार ये नरक से निकालो, दिन रात उठते बैठते तेरे भजन करेंगे। अब देखना मातृ गर्भ में बच्चा का जो सेव होता है ना, अब देखना वो हाथ ऐसे रहता है, उसका हाथ ऐसे रहता है, मतलब भगवान को हाथ जोड़ करके भगवान को वो प्रार्थना करते हैं। भगवान कहते हैं अभी क्या करोगे, बोले उठते बैठते सोते केवल तुम्हारा भजन करूंगा, तुम्हारी हम भक्ति करेंगे। भगवान कहते हैं फिर भूलोगे नहीं, बोले प्रभु कभी नहीं भूलूंगा। अगर नहीं भूलोगे ना, अगर भजन नहीं करोगे ना, कहते बीच बीच में तेरे को वार्निंग भी दूंगा। बोले क्या वार्निंग दोगे प्रभु, बोले जब पहले एक बाल पक जाए ना, मेरे फर्स्ट वार्निंग। अब देखना जब बाल पक पाए, ध्यान लगाकर देखिएगा ठीक कहीं से बाल पकता है, किसी बात को देख ले सबसे पहले यही से कान से बाल पकता है। बोले कान में पहला बैल दे दिया काल ने, तू बोला था ना हरिनाम करोगे भजन भक्ति करोगे, कितने भक्ति कर रहे हो, कितने भजन कर रहे हो, और कितने समय टीवी देखते हो, कितना समय उल्टा पुलटा चीज में समय बिताते हो, लेकिन हम क्या करते हैं उसको वार्निंग को नहीं सुनते, उखाड़ देते हैं बाल। बोले हम कितने जल्दी थोड़ी बुढ़ा बुढ़ी बनेंगे, हम उसको उखाड़ देते हैं, अगर 2 बाल पक गया फिर उखाड़ देंगे, 3 उखाड़ देंगे, अगर खिचड़ी बन गया फिर मेहंदी लगा देंगे, कलर कर देते हैं, हम सब कलर कर देते हैं, हमारा हमारी कुछ नहीं हुआ, हम तो चक गए। भगवान कहते फिर दूसरा बार नहीं दूंगा। बोले क्या दोगे, बोले आंख में देखना कम होना शुरू हो जाएगा, फिर बढ़िया गगलेस चश्मा लगा हीरो, हमारा कुछ अभी नहीं हुआ हीरो बनते हैं। फिर भगवान कहते फिर तेरे तीसरा बार नहीं दूंगा। बोले क्या दोगे, बोले खिलखिला करके हंस रहे हो ना, सारे दांत एक एक तोड़ना शुरू करूंगा, है एक एक दांत तोड़ना शुरू करेगा। फिर डेंटिस्ट के पास में जाकर फिर 32 दांत लगा देते, कहते हमारे कुछ नहीं हुआ। बोले तुमको फिर फोर्थ बार नहीं दूंगा। बोले क्या, बोले 2 पैर से फिर 3 पैर हो जाएंगे, फिर डंडा लेकर चलना पड़ेगा तेरे को, है फिर तेरे को वार नहीं दूंगा। भगवान कहते फिर 50 बार नहीं दूंगा, फिर राम नाम। इसलिए यहाँ पर श्री नंदा बाबा कह रहे हैं गर्गाचार्य को साधु क्यों आते हैं, भगवान कहते देखो अगर तुम मेरे को भूल जाओगे ना, फिर मैं साधु रूप धारण करते भी आऊंगा, फिर तुमको याद दिलाऊंगा तुमने क्या बोल कर गाया था, भजन कर लिया आया था ना, ये जन्म बारंबार नहीं मिलते हैं, जिसको भगवान राम कहते हैं बोले साधन धा कर द्वारा पाई न जेई परलोक सवारा। भगवान राम अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं, हे अयोध्या वासियों कहते ये मानव शरीर नहीं, बोले क्या है, बोले साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, ये 84 लाख जन्म के बाद में जो मानव शरीर में ही केवल भगवान की भक्ति कर सकते हैं, और किसी जीवन में भगवान का कोई राम का नाम कृष्ण नाम कोई नहीं ले सकते, इन्हीं हाथों से कोई ठाकुर का सेवा नहीं कर सकते, आंखों से प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते, कानों में कृष्ण कथा नहीं सुन सकते, केवल 2 ही प्यार दिया घर से यहाँ तक आकर के सत्संग में बैठे।
अगर एक स्वर बोले भैया सत्संग हो रही था बैठ जाओ, दरवाजा आएगा घंटा मार के बगाएगा। मतलब ये मानव शरीर को छोड़ करके और कोई भी आकर के ये सत्संग में भी बैठ नहीं सकते, प्रभु की कथा नहीं सुन सकते। इसलिए भगवान कहते ये मानव शरीर नहीं, कहते ये साधन की धाम स्वरूप है। इसलिए मोक्ष करे द्वारा हम 84 लाख जना भटकते भटकते ये मानव शरीर नहीं, हम ये मुक्ति के दरवाजे पर खड़े। इसलिए कहते पाए न जई पर लोक सवारा, लेकिन भगवान तो ये जीवन दे दिया, लेकिन ये जीवन पा करके जो परलोक को जो सवारता नहीं, परलोक को जो सुधारता नहीं, वो तीसरी लाइन में कहते फिर तो सर पिटते रहोगे, लेकिन तेरे को मानव शरीर भगवान नहीं देंगे। इसलिए बोलिए मानव शरीर नहीं, ये क्या है? कहते ये चंदन की बाग है। ये शरीर क्या है? बोले चंदन की बाग। एक सुंदर उदाहरण दिए है, बोले एक समय कोई एक लकड़हार था, लकड़हार जानते हो जो जंगल का लकड़ी को काटता है और उसको जला करके कोयला बना करके वो मार्केट में बेचता था। किसी तरह से 100 भारत का हिसाब 100-200 रुपया बड़ी कष्ट से वो कमाया करता था, बड़े कष्ट से। अभी एक राजा जा रहा था, बोले तू क्या कर रहे हो? बोले यही कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ। बोले देख आज से तेरे सारे दुख आज से दूर हो जाएंगे, जितना तुम्हारे दुख है ना आज से सारे दुख तुम्हारे दूर हो जाएंगे। बोले कैसे? बोली जी देखो चंदन का जो बगीचा है ना, लो ये चंदन की बाग तू ले लो, आज से तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। राजा फिर एक साल बाद में आया, जब एक साल बाद में आया देखा फिर वही लकड़ी काट रहा है, काट करके और उसको जला करके उसको कोयला दाम में बेच रहा है। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले आपने चंदन की बाग किया था ना, उसको काट कूट करके और जला करके हमने कोयला दर पे बेच दिया। पागल, तेरे को पता है मैंने तुमको क्या दिया था? अब वृंदावन में जाओ, 1 किलो चंदन की लकड़ी खरीदी करो ना, 25-30 हजार रुपया में भी एक प्योर एक चंदन का लकड़ी नहीं मिलेगी। 25-30 हजार रुपया भी वो भी डुप्लीकेट आपको मिलेगी, चंदन असली नहीं मिलेगी आपको। तो एक वृक्ष में कितना किलो होता है? बोले एक वृक्ष में कितने किलो, मानो एक एक वृक्ष है ना अरब खरब रुपया है, करोड़ रुपया की एक एक वृक्ष, और तेरे को पूरा एक बाग दे दिया, लेकिन तुमने क्या किया? सारे को काट कूट करके और जला करके तुमने कोयला दब में बेच दिया। इसका मतलब है यहाँ पर भगवान राम कह रहे हैं ये मानव शरीर नहीं, कहते ये चंदन की बाग है, ये चंदन की बाग है। क्यों? इसी शरीर में ही मोक्ष करे धामा, इसी शरीर में ही प्रभु की भजन करके भक्ति करके हम भगवान के मुक्ति मार्ग को प्राप्त कर सकते, प्रभु की चरण को। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पूरा के पूरा बात को काट करके जला करके कोयला दर में बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब है ये शरीर दे करके हम प्रभु की भक्ति करके प्रभु के पास में जा सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बोले चार काम करके जीवन को बर्बाद कर दिया, आहार निद्रा भय और मैथुन, खाना सोना बच्चों को पालन करना और कहते ऐसे करके ये जीवन को हमने संपूर्ण बिता दिया, ये जीवन को नष्ट कर दिया। इसलिए साधु लोग घर में क्यों आते हैं? बोले इसलिए आते हैं कहते जीव जागो गोरा चाक बोले और कतर निद्रा जाओ माया पिशाच रखो और भजी वो बोलिवा ऐसे संसार भीतर भूलिया रह ले तुम्हें अविद्या। इसलिए साधु लोग आते हैं हमें जगाने के लिए, हमें जगा करके है क्या करने के लिए? जगा करके हमें भगवत भजन में प्रेरणा देने के लिए ये साधु लोग यहाँ पर आते हैं। इसलिए श्री नंद बाबा कहते हैं आज तक हमारा जीवन धन्य हो गया है, क्यों? घर में श्री गर्गाचार्य जी आए, घर में हरि कथा होगी, घर में हरि कीर्तन होगी, आज हमारे जीवन धन्य है। इसलिए आज सब जो रविन्द्र प्रभु जी घर में भक्त लोग आए, घर में हरि कीर्तन हो रहे हैं, हरि कथा हो रही है, समझो ये जीवन का सबसे बढ़िया दिन, ये जीवन का सबसे ये बढ़िया दिन है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
का दिवस, महाप्रभु का संन्यास का दिवस। चैतन्य महाप्रभु ने आज का दिन उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। बोले महाप्रभु संन्यास ग्रहण क्यों किए, इसका कारण क्या है? बोले इसका कारण बताए, इसका तो बहुत सारे कारण है, लेकिन एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु गोपी 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 कर रहे थे। एक पढ़ुआ था जो स्टूडेंट था, इतने में आ करके महाप्रभु को बोले, बोले ये आप गोपी गोपी क्यों कर रहे हो, आप कृष्ण कृष्ण बोलो ना, क्योंकि शास्त्र में बताया जब तक जीव कोई भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करता है जीव का कल्याण नहीं है, इसलिए जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जीव का जो स्वरूप है हम सबके सब कृष्ण के ही नित्यदास है, इसलिए जीव का कल्याण कैसे मंगल कैसे होगा, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात् परम शांति। कहते भगवान कृष्ण की भक्ति करने से जीव को परम शांति और परम आनंद और भगवत धाम को जीव प्राप्त कर सकता है। बोले तुम ये गोपी गोपी क्यों करते हो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण नाम से जीव संसार से पार हो सकता हो, ये गोपी गोपी क्यों कर रहे हो। बस इतना बोलते ही महाप्रभु तो भड़क गए, महाप्रभु को बड़ा क्रोध आया। बोले क्यों क्रोध आया, बोले महाप्रभु किसी दूसरे भाव से थे, महाप्रभु थे गोपी भाव से हैं, राधा रानी के भाव से, कृष्ण कैसे ये भ्रमर गीत है, कृष्ण कैसे हाँ कैसे राधा रानी को गोपियों ने सुंदर फूलों की सज्जा से कमल पुष्पों की सज्जा से लेटा करके रखे, और इतने में कृष्ण एक भ्रमर बन करके, भ्रमर बन करके कृष्ण के चरण गोबर बैठना चाहते हैं, हाँ राधा रानी के चरण गोबर में। इतने में राधा रानी मानी ने होकर के वो भ्रमर को ताना मार रहे, खबरदार मेरे प्यार को मत छुआ कर, हैं मेरे प्यार को मत छुआ कर, जितने काले हैं ना, जितने काले हैं सबके सब दूर थे, क्योंकि एक काले सत्य युग में आया। बोले कौन, बोले श्री बाबा थे, इन्होंने बलि महाराज के पास में तीन पग जमीन मांगी है, लेकिन उन्होंने दो प्यार में तो विश्व ब्रह्मांड को ले गया, और तीसरे पग नहीं दे पाए तो उनको फिर उन्होंने नागफास बंधन उनको फास में उनको बांध दिया है। बोले कौए जैसे खाते भी और ठुकराते हैं, कहते ये जो काले है ना उनने मांगे तीन पग, और जितना प्यार था उतने पग में मापो ना, तुमने प्यार बढ़ाया किसी, फिर सारा दुनिया ले लिया फिर बांध भी दिया तुमने, हैं बांध भी दिया। कहते तृतीया युग में भी काले आए, बोले कौन, बोले श्री रामचंद्र है, बड़े ही सुंदर वन में जब गए उनका बेस कैसे जटाजु धारण किए हुए, और साथ में धनुष तरकस ये साधु का बेस, फिर साथ में फिर पत्नी सीता साथ में लेकर के लक्ष्मण को लेकर गए। इतने में सुपर्ण खाने जब रूप को देखे प्रभु के रूप को, वो तो एकदम बाबरी बन गई और बड़ी सुंदर बन करके बोले मेरे से शादी कर, मेरे से शादी कर, अरे तू शादी नहीं कर मत करो, लेकिन उसका नाता नहीं गठबा दिया है। कभी ये एक काले राधा रानी ये ताना मार रही है, हाँ तो ताना मार रही है। बोले द्वापर युग में देखो वही भी काले है, वही काले है, इसलिए राधा रानी कृष्ण जब राधा रानी को छोड़ करके मथुरा, मथुरा से द्वारका कृष्ण चले गए, तब यहाँ राधा रानी उससे कृष्ण को ताना मारते हुए महाप्रभु राधा जी के भाव में डूबे हुए हैं। इतने में वो पढ़ुआ जो था स्टूडेंट ने कहा, भैया तो गोपी गोपी क्यों कहते हो, तुम कृष्ण कृष्ण कहो ना। राधा रानी बोले वो काले का बात तुम करते हो, जिसे काले ने हमें धोखे दिए। इतने में महाप्रभु का डंडे लेकर के उसको मारने के लिए दौड़े दौड़े, तो इतने में वो पढ़ुआ चला गया, और जितने स्टूडेंट था बोले देखो मैं उनको अच्छा बात बताया, कृष्ण कृष्ण बोलो गोपी गोपी क्यों बोलते हो, उनको मारने के लिए दौड़ा, उसने हमको मारने के लिए दौड़ा, हम भी कभी कम नहीं, हम भी तो एक स्टूडेंट एक क्लास में पढ़े, हम भी उसको छोड़ेंगे नहीं, हम भी उसको दिखाएंगे। महाप्रभु जब ये बात वो सुने, महाप्रभु बड़े दुखी हो गए हैं, दुखी होकर महाप्रभु कहते हैं खाई लो पिपल खट्टक कब अनिवार्य थे उलट या आर कब बाढ़ी लदे दे, एक दवा होता है जिस दवा को खाने से ये कब दूर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं मैंने इस जगत में आया क्यों,
बोले जीव कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए आया है। लेकिन देखो ये सबसे सब उल्टा हो रहा है, ये इनको उद्धार करने के लिए आया हूँ और ये जीव क्या कर रहे हैं। बोले हम महाप्रभु हम भी देख लेंगे, महाप्रभु तो भगवान कृष्ण है, अगर कोई बोले भगवान को भी हम देख लेंगे फिर क्या होगा, वो अपराध हो गया ना, वो पाप हो गया, इसलिए पाप हो गया तो फिर क्या होगा, जीव को उधार कैसे होगा, जीव तो और भी नरक में चली जाएगी। इसलिए महाप्रभु सोच रहे हैं मैं सन्यास ग्रहण करूंगा। सन्यास ग्रहण करने पर सन्यासी जब दरवाजा पर जाता है, देखना पिता भी अगर बेटा सन्यासी बन जाए पिता भी बेटे को प्रणाम करता है। जब मैं दरवाजा में जाऊंगा जितने सब जीव है वो सबके सब मेरे को प्रणाम करेंगे। जब मेरे को प्रणाम करेंगे, शास्त्र में बताया सकृत प्रणाम कृष्ण से मातुस्तन पिबेदने, एक बार अगर कोई भगवान को प्रणाम कर ले फिर कभी मातृ मैया का दूध नहीं पीता है, मतलब जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए उसको मुक्ति मिल जाती है, भगवत धाम को प्राप्त करता है एक बार अगर कोई भगवान को प्रणाम करे। इसलिए मैं जो सन्यासी वेश लेकर के मैं दरवाजा पर जाऊंगा सबके सब मेरे को सन्यासी बुद्धि से मेरे को प्रणाम करेगा और मेरे को प्रणाम करके तो क्या होगा, जन्म मृत्यु का बंधन उसकी समाप्त हो जाएगी, जन्म मृत्यु का बंधन उसकी समाप्त हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु ने स्थिर किया मैंने सन्यास लूंगा। लेकिन महाप्रभु की जो बात को बल्कि केवल पांच व्यक्ति को उन्होंने पहले बताया मैं सन्यास ग्रहण करूंगा। पहला नंबर कहते श्री हरिदास ठाकुर को बोले हैं, दूसरे में श्री मुकुंद को बोले, तीसरे में श्री नित्यानंद प्रभु को बोले, चौथ में एक ब्रह्मानंद भारती को बोले और पंचम में श्री चंद्रशेखर को बोले और श्री उनकी जो माँ थी सच्ची माँ थी उनको भी पता चला बाद में। उनने केवल पांच व्यक्तियों को पास में प्रकाश किया है मैं सन्यास ग्रहण करने वाली। और जब ये भक्त लोगों ने सुने महाप्रभु सन्यास ग्रहण करके, भक्त लोग इतने दुखी हो गए क्योंकि महाप्रभु उनका जीवन प्राण है। इसलिए और सन्यास लेने पर क्या होता है, कहते बेटा सारे बाल कटवाना पड़ता है, चोटी रखते हैं सब बाल कटवा देते हैं। और भगवान की महाप्रभु का बाल कैसे इतने सुंदर इनके बाल है, जैसे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं हिंदी में, महाप्रभु को सजाया करते थे, बड़े सुंदर भक्त लोग तेल ले आते थे महाप्रभु को अर्पण करते थे। और जो महाप्रभु अपना मुंडक को सर्ग जो मुंडन करेंगे चोटी रखेंगे, भक्त लोग इतने दुखी हो गए बोले वो रूप और दर्शन नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे गौड़ियों मठ में देखना महाप्रभु को सन्यासी वेश में ना कोई नहीं रखते हैं, कितने सारे ठाकुर देखो महाप्रभु के सुंदर सुंदर कैसे, क्यों बोले सन्यासी जीव लेता है, सन्यासी भगवान को सन्यासी लेने का कोई जरूरत नहीं, ये तो विश्व ब्रह्मांड के मालिक वो तो स्वयं कृष्ण है तो उनको क्यों सन्यासी लेना पड़ेगा। इसलिए आप किसी गौड़ी मठ में देखना महाप्रभु बाल को है सुंदर सुंदर पूरे घुबड़ाली कैसे बड़े सुंदर कैसे, सारे भक्त लोग जो सुना इतने दुखी हो गए। जब उन्हें सच्ची माँ को उन्होंने ये बात पता चला है, सच्ची माँ तो इतने दुखी हो गई। पहले तो वो दो भाई में बड़ा भाई कौन था, विश्वरूप, वो सबसे पहले वो सन्यासी पर चले गए। उस समय पिता माता इतने दुखी हुए, श्री महाप्रभु का कोई चिंता मतलब मैं हूं ना, बड़ा भाई चला गया तो क्या हो गया, मैं तुम्हारी सेवा करूँ। फिर कुछ दिन बाद उनको पिता भी सन्यास त्याग जगन्नाथ मिश्र, फिर सच्ची माँ बड़ी दुखी हो गई। फिर महाप्रभु की शादी हुई घर में विष्णु प्रिया है, अभी कभी 15-16 साल की विष्णु प्रिया है इतने कम उम्र में, और घर में एक बूढ़ी मैया और घर में और कोई नहीं। और भारत में पहले नियम था स्त्रियां कभी घर से बाहर नहीं जाती थी, वो घर का काम को स्त्रियां संभाला करती थी और बाहर का आपको पुरुष लोग देखते थे। अभी घर में कोई नहीं, एक बूढ़ी माँ और एक पत्नी विष्णु प्रिया और एकदम कम उम्र के महाप्रभु
जब सन्यास लेके भक्त लोग सुने सबके सब रोने लग गए, सबके सब मैया श्री सच्ची मैया इतने दुखी हो गए। बोले बेटा मेरे बड़ा भाई भी गए, पिता भी गए, घर में कोई है नहीं, और तू भी बोलते हो सन्यास में, मतलब मैं क्या करूँ, मेरे तो प्राण ऐसे ही छूट जाएगा है, मेरे प्राण ऐसे चली जाएगी। फिर महाप्रभु उनको बैठा कर समझाते हैं, बोले देखो माँ तू मेरे एक जन्म की माँ नहीं, हर अवतार में तुम मेरे माँ बनते हो। जब मैंने बामन बनकर के आया था उसी समय तुमने अदिति बनकर के आया, जब मैंने कृष्ण बनकर के आया उसी समय तुम श्री देवकी बनकर के आए थे, जब मैं भगवान कपिल बनकर के आया हूँ उसी समय तुम माता देवती बनकर के आई हो, माता देवती बनकर के तू आई, इसलिए तुम जब मैं रामचंद्र बनकर के आया उसी समय तो माता कौशल्या बनकर के आई, हर अवतार में हर युग में तो मेरी माँ बनकर के आते हो, एक जन्म की माँ नहीं हर जन्म की माँ। बोले देखो माँ फिर मैं कलयुग में दो रूप में मैं प्रकाश होऊंगा, मेरे और दो अवतार है। बोले एक अवतार है जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये एक अवतार है। जो दूसरा अवतार है कहते अर्चा विग्रह, तो जो ठाकुर जी रूप में धर्म जो भगवान है कहते मैं कलयुग में ये दो रूप में अवतीर्ण होगा, मतलब कलयुग में वो दो चीज को जो पूजा करते हैं आश्रय ग्रहण करते हैं वो साक्षात रूप में मेरे को ही स्वीकार करते हैं, साक्षात रूप में मेरे को प्राप्त करते हैं। इसलिए पहला क्या है ये हरे कृष्ण महामंत्र, इसलिए भागवत में बताए बोले नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिन। बोले भगवान का नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं, इसलिए से विदा कहती है हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकलाया परिणाम, अंत में निकलाया परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा झट आ गए घनश्याम, राधे राधे। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा झट आ गए घनश्याम, राधे राधे। साई के चकहारा दुसाचन, साई के चकहारा दुसाचन, साई बनाए सब हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। इसलिए भगवान का जो नाम है और जो भगवान वो एक ही, उसमें कोई फर्क नहीं। एक दिन श्री नारद जी ब्रह्मा जी को पूछे अपना पिताजी को, बोले पिताजी हमने सुना भगवान और उनको नाम में कोई फर्क नहीं। बोले हाँ। बोले मेरे को प्रैक्टिकल रूप में थोड़ा दिखा सकते हो कैसे भगवान और उनका नाम में कोई फर्क नहीं, मेरे को प्रैक्टिकल रूप में दिखा सकते हो। बोले बेटा हरि अनंत हरि कथा अनंत है, भगवान का नाम को कौन पार पा सकता है, मेरे तो चार ही सर है। जब अनंत देव अनंत मुंह से अनंत नाम को व्याख्या कर रहे हैं तभी प्रभु का कोई अंत नहीं पाते, मेरा तो चार ही सर है, मैं क्या बताऊंगा। बोले फिर कौन बता सकता है, बोले श्री भोले बाबा को पास उनको पांच सर है, तो पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरा, शंकर जी पंचमुख में हर समय भगवान के नाम कीर्तन करते जाओ। शंकर जी को पास में गए बोले प्रभु जी आप कृपा करके बताओ, मेरे को प्रैक्टिकल रूप में दिखाओ भगवान और उनके नाम में कोई फर्क नहीं, हमें प्रैक्टिकल रूप में दिखाओ। शंकर जी बोले देखो मैं
अनादिकाल से भगवान का नाम को जप कर रहा हूँ। महामंत्र जय जपत महेशा काशी मुक्ति हेतु उपदेशा। इसलिए मैं अभी तक भी नाक पे खा नहीं पाया। बोले फिर कौन बताएगा? बोले फिर गुरु जी के पास में जाओ। शंकर जी के गुरु जी कौन है? कहते श्री बलदेव प्रभु अनंत देव है। अनंत देव बोले अनंत देव के पास में जाओ। फिर नारद जी अनंत देव के पास में गए। जब अनंत देव के पास में गए बोले आप ही कृपा करके बताओ भगवान और उनका नाम में कोई फर्क नहीं, मेरे को कुछ प्रैक्टिकल रूप में दिखाओ। आनंद देव बोले भैया मैं भी अनंत काल से अनंत नाम को उनको कीर्तन कर रहा हूँ, अभी तक भी था नहीं गया। मैं कितना बताऊ प्रभु नाम की महिमा? बोले फिर कौन बता सकता? बोले जाओ धर्म राजा के पास, श्री जब महाराज के पास में जाओ। जब श्री जब महाराज के पास में गई है धर्मराज, धर्मराज का मतलब है मतलब जीव जैसे जैसे कर्म करते हैं ना उसको तराजू में नाप करके ठीक ठीक वैसे वो फल प्रदान करते हैं। जो जैसे कर्म करता है उसको ठीक वैसे फल प्रदान करते हैं, इसलिए उनका नाम धर्मराज है। हैं एकदम उनके पास में थोड़ी सी भी इधर उधर कभी नहीं होता है, प्रॉपर जीव को कर्म के फल देते हैं। अभी बोले आप मेरे को बताओ प्रैक्टिकल रूप में दिखाओ भगवान और उनका नाम में कोई फर्क नहीं। बोले एक काम करो, उनकी चार दरवाजा है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। बोले तू दक्षिण दरवाजा में चले जा। बोले दक्षिण दरवाजा में क्या है? बोले वहां 84 नरक है। जीव जैसे जैसे कर्म करता है वो कर्म के अनुरूप ठीक ठीक उनको वैसे ही फल मिल रहा है। जब उन्होंने दक्षिण दरवाजा में पहुंचे वहां पर इतने भयानक दृश्य देखा, वो जैसे जैसे जीव कर्म करते हैं कैसे कैसे जीव को दंड दी जाती है। जो शराब पीते हैं उनको मुंह में लोहे बला करके उनको मुंह में डाल रहे थे। बोले भगवान तुमको प्रभु का नाम जप करने के लिए मुंह दिया, तुमने इस मुंह में शराब तुमने पी है। जो हाथ में तराज में हेर फेर कर रहे थे उनको अंगुल काट रहे थे। जो गंदी गंदी उल्टा पुलटा फिल्म करते थे आग उनको निकाल रहे थे और ऐसे ऐसे दंड दे रहे थे ना। जो मांस मछली खाते उनको डायरेक्ट करत में फाड़ रहे थे, जैसे पकौड़ा बनाते हैं उसको बना रहे। अब इसको देख रहे ना नारद जी को तो इतने भयंकर, उन्होंने इतने डर गए नारद जी, इतने में जोर से चिल्लाए बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। उन्होंने जोर से चित्कार किया ही भगवान यहाँ पर इतने दंड दे रहे। लेकिन जब उन्होंने भगवान के नाम को ग्रहण किया, कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम है, जब उन्होंने प्रभु का नाम ग्रहण करते ही वहां पर जितने सब पापी थे ना नरक में भोग कर रहे थे दुष्ट है ना, वहां पर कष्ट भोग कर रहे थे, जब उनको कान में भगवान के नाम पड़ी वो सबके सब उधर 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 होकर के सबके सब वैकुंठ चले गए। हैं सबके सब ठाकुर जी के पास में सबके सब चले गए। जब चले गए इतने में से धर्मराज नारद जी को कहते हैं, अभी समझ गए हरि से बड़ा हरि का नाम है और भगवान और उनका नाम में कोई फर्क नहीं, वो एक ही वस्तु भगवान उनका नाम वो एक ही वस्तु, क्योंकि उनको कानों में जो भगवान के नाम पड़ा वो सबके सब मुक्त होकर के भगवान का धाम को चले गए। विश्वास हुआ कि बोला अभी हमें विश्वास हुआ है भगवान से भगवान का नाम पड़ा और भगवान और उनका नाम में कोई फर्क नहीं, वो एक ही चीज है भगवान उनका नाम है। इसलिए महापुरुष स्वयं कहते हैं ये कलयुग में जो व्यक्ति मेरे नाम ग्रहण करते हैं, मेरे नाम को ग्रहण करते हैं, मैं स्वयं अपना नाम रूप में विद्यमान हूँ। मेरा नाम ग्रहण करना और मेरे से मिलना महाप्रभु कहते उसमें कोई अलग बात नहीं, वो एक ही बात है। इसलिए कलयुग में जो ठाकुर जी का नाम ग्रहण करते हैं वो साक्षात रूप में भगवान से मिलते हैं। भगवान कहते कलयुग में मैं दूसरे रूप में रहूंगा। बोले कैसे? बोले अर्चा विग्रह है, जैसे ठाकुर जी की जो स्वरूप है ना गोपाल जी है, सीताराम है, राधा कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण है, कहते जो अर्चा विग्रह रूप में मैं साक्षात रूप में अर्चा विग्रह रूप में मैं कलयुग में हूँ। है इसलिए आपको एक छोटी सी कथा सुनाता। बोले एक समय अयोध्या में कोई एक साधु थे और उनका कोई छोटा सा चेला था जिसका नाम था रामदास। एक दिन गुरु जी ने रामदास को बोले बेटा
मैं कुछ दिन के लिए बाहर जाऊंगा काम के लिए, वह राम दरबार था। बोले तो कुछ दिन के लिए सेवा पूजा कर लोगे? बोले गुरु जी आपका आदेश होगा तो कर ही लूंगा। बोले देख बेटा ठाकुर को बढ़िया से खाना खिलाना और ठाकुर को अच्छे तरह से सुलाना, अच्छे तरह से सेवा करना, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो, अब जब तक नहीं आएंगे ठाकुर को सेवा कर दूंगा। गुरु जी चले गए और उसने बनाया घर में रोटी सब्जी बनाया और पीढ़ी दे करके बोले ठाकुर जी को सामने प्लेट रख लिया, बोले आओ बैठो और खाना खाओ। वो छोटा बच्चा है, वो कभी देखा नहीं गुरु जी कैसे भोग लगाता है। उनको भावना है हम जैसे पीढ़ी ऊपर बैठ कर खाना खाते हैं ना, ठाकुर जी भी ऐसे खाना खाते हैं। जब उनको सामने रख दिया इतने में देखा ठाकुर जी बैठ कर खाना ही नहीं खा रहे। कहते हैं आप क्या मेरे ऊपर नाराज हो? अब तो रोज गुरु जी के हाथ में खाना खाते थे, वो तो कभी देखा नहीं कैसे क्या भोग लगाते नहीं लगाते। बोले अब तो रोज ठाकुर के हाथ में खाना खाते थे, अब गुरु जी मेरे को बोल कर गए बेटा अच्छे तरह से ठाकुर को सेवा करना, खाना खिलाना। अगर खाना नहीं खाएंगे तो गुरु जी डांट लगाएंगे, तुम ठाकुर जी को तुमने ठीक से भोग नहीं लगाया है। इतने में बोले आओ बैठो और खाना खाओ। देखा तब भी ठाकुर जी नहीं बैठ रहे। बोले अगर खाना नहीं खाएंगे ना, आप अयोध्या गए हो? कौन कौन अयोध्या गए? अयोध्या गए आप देखना वहां सरजू नदी बह रही थी। बोले अगर खाना नहीं खाएंगे सरजू बह रही ना, इसमें मैं आत्महत्या कर दूंगा, क्योंकि जो गुरु जी की आदेश पालन नहीं कर पाया फिर जीवन रख कर क्या लाभ। बोले सामने सरजू नदी से मैं ही आत्महत्या कर दूंगा। सचमुच से उन्होंने आत्महत्या करने के लिए सरजू में गया। भगवान राम उसकी सरलता को देख करके, राम कहां उठे और हनुमान जी को बोले बेटा जाओ उसको पकड़ कर लाओ। बोले ठाकुर जी खाना खा रहे हैं। वो सरज में छलांग लगाने वाला था, इतने में हनुमान जी पकड़ ले, बोले ठाकुर जी खाना खा रहे। बोले खा रहे? बोले हाँ। सचमुच से आकर देखा भगवान राम बैठ करके भोजन कर रहे हैं। ठाकुर जी मैया सीता ने भोजन की, लक्ष्मण हनुमान लास्ट में इसने खाना खाया। तो जो दो चार दिन जब ठाकुर को भोग लगाए ना, उसको बाद में ठाकुर जी मेरे से और इतना नहीं हो पा रहा है, अकेले जाओ। पहले गांव था ना, गांव में जाओ फिर आटा मांग कर लाओ, फिर सब्जी मांग कर लाओ, फिर लकड़ी लाओ, फिर रसोई बनाओ, फिर भोग लगाओ, फिर बर्तन साफ करो। बोले मेरे से इतना नहीं हो पा रहा, छोटा बच्चा कितना करो। ठाकुर जी बोले बताओ हमें कुछ करना पड़ेगा, हम मदद करेंगे। बोले आप तो घर के पिता है, आपको केवल आप पत्तल और थोड़ा दूड़ा बना दिया करो। इतने मैया सीता बोले बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? आप बोलते आप तो घर की माँ है, मैया क्या करती? खाना बनाती। बोले आप केवल खाना बनाओ? बोले बेटा मैं तो यही जिंदगी भर यही काम किया है। इतने में लक्ष्मण को बोले मैं क्या करूँ? बोले आप थोड़ा जंगल से लकड़ी ले आओ सूखे सूखे। बोले मैं तो यही काम जिंदगी भर किया है। हनुमान जी को बोले मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले और जितना सारे काम है ना तुम्हारी ये सब देखभाल करना। बोले भैया जिंदगी भर काम यही की है। अभी ये केवल भिक्षा करके लाता है और मैया जानकी बड़ा सुंदर प्रसाद रोज रोज बनाती है और इसको केवल भिक्षा करना पड़ता और कुछ करना नहीं पड़ता, बढ़िया सेवा चल रहा है। अभी गुरु जी वापस आए थे, गुरु जी के पत्र आया बेटा रामदास मैं अमुक दिन आ रहा हूँ, मेरे साथ में कुछ संत लोग आएंगे, केवल एक दिन के लिए तुम खाने की व्यवस्था कर दो, फिर हम आकर सब कुछ देख लेंगे। उन्होंने मैया सीता को पास में गई, बोले माता जी गुरु जी की लेटर आया है, अमुक दिन कुछ संत लोग आ रहे हैं, कहते एक दिन के लिए बेटा तुम थोड़ा खाने पीने का व्यवस्था कर देना, फिर मैं आकर के सारी चीज को देख लूंगा। बोले बेटा कोई चिंता मत करो, तुम थोड़ा ज्यादा थोड़ी सी भिक्षा करके केवल ले आओ और मैं सारे काम तो रसोई बना दूं, कोई चिंता मत करो। उसने गुरु जी को पास में पत्र भेजा, बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो, हाँ प्रभु राम बड़े सुंदर पत्र दोना बना देते हैं, भैया रोज रोज छापन भोग 36 मजर बना रही है और भैया लक्ष्मण रोज सूखे सूखे लकड़ी ले जाते हैं और हनुमान भैया तो सारे काम कर लेते हैं, इसलिए आप कोई चिंता मत करो। जितने संत माता जी कहते हैं जितना संत आना चाहे सबको लेकर जाओ। गुरु जी पत्र पढ़कर बोले पागल क्या लिखा है, भैया सीता खाना बना रही है, लक्ष्मण जी लकड़ी ला रहे हैं, हनुमान जी सब कुछ देखते हैं, बोले क्या बोल रहे हैं। गुरु जी ने सोचा बच्चा है कुछ को पता ही नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। सचमुच से गुरु जी जब आए कुछ संत लोग साथ में आए थे, वो सोच रहे थे छोटा बच्चा पता नहीं कैसे खाना बनाया होगा, इतने लोग जा रहे हैं क्या खाएंगे नहीं खाएंगे। जब गुरु जी आए ना वहां पर देखा घर में इतने सारे खाना छापन भोग 36 व्यंजन
गुरु जी आ रहे हैं ना, माता जी उस दिन बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाए। गुरु जी ने देख करके बोले, इतने सारे खाना बनाया किसने? हठात उन्होंने देखा कोने में माँ जानकी बैठी करके खाना बना रही। अभी तो इसका छोटा बच्चा है ना, इसको विश्वास है, लेकिन गुरु जी तो अभी इतना विश्वास नहीं है। यद्यपि विश्वास है, इतने पक्की नहीं उसकी। उन्होंने देखा, देखा जब मैया जानकी, उन्होंने देखा इतने मैया जानकी ने थोड़ी सी गुरु जी देव के तरफ देखे और थोड़ी सी मीठी मीठी मुस्कुराए और कहीं अंदर ध्यान हो गए। इतने में गुरु जी ने कहा, बेटा ये सब क्या है? बोले, गुरु जी आप जब चले गए थे ना, मैं तो ठाकुर को खाना खिलाने के लिए गया, लेकिन खाना खाए नहीं रहते ठाकुर जी, मेरे ऊपर नाराज थे, नया था ना। फिर मैं जब सरजुरती में आत्महत्या करने के लिए गए, फिर हनुमान भैया मेरे को पकड़ करके लाए, बोले ठाकुर जी खाना खा रहे हैं। और दो तीन दिन में किया तो मैं अकेला कितना करूं, मैंने कहा मेरे से नहीं हो पा रहे। सब बोले हम सबके सब तेरे को मदद करते हैं, इसलिए भगवान राम पतल दुना बना देते, भैया सीता खाना बनाते, लखनऊ भैया तो रोज रोज लकड़ी ले आते, और हनुमान भैया तो सब काम कर देते। इतना जब गुरु जी सुनना, उनने तो चेले को चरण में गिरी पड़ी, बोले भैया गुरु तो गुड़ बन कर रह गया और चेला चीनी बन गया। इसलिए एक हिंदी में भजन है ना, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तो खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तो बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तो सुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रज गोपियां जैसे तो नचाते नहीं। यहाँ पर स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं, कलियुग में मैं दो रूप में जगत में प्रकट हूँ, दो रूप में। एक तो मेरे नाम है, मेरे नाम रूप में, और जो दूसरे स्वरूप में ये अर्चा विग्रह है। आप तो सब जानते हो हमारा संप्रदाय है, सनातन गोस्वामी के साथ में मदन मोहन डायरेक्ट बात करते थे, हैं? बात करते थे। जब उन्होंने दो तीन दिन बगैर नमक के टिकिया बनाकर खिलाया, बोले तू सब्जी तो देता नहीं, अरे कम से कम नमक तो थोड़ा दे दिया करो, गले से नीचे नहीं उतरता है। बोले आज बोलोगे नमक तो, कल बोलोगे सब्जी ला दो, फिर बोलोगे दूध ला, फिर बोलोगे मक्खन ला, राबड़ी ला, तेरे नंदा बाबा का नल्ला गया थे तभी तेरा पेट नहीं भरता था, फिर तू चोरी चोरी करके खाता था। भैया मैं कहाँ से लाऊंगा, साधु व्यक्ति मेरे से नहीं हो पा रहा है। अगर बढ़िया बढ़िया खाना चाहे तो स्वयं संग्रह कर ले, सनातन गोस्वामी बात करते थे। श्री गोपाल जी है, जो गोपाल जी नाथोद्वार में जो गोपाल माधवेंद्रपुरी के लिए उन्होंने दूध ला करके उनको दिया, माधवेंद्र को दूध लिया, और जब जगन्नाथपुर से लकड़ी लेकर के आओ गोपीनाथ बीच में, इनके लिए खीर चोरी करते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया खीर चुरा गोपीनाथ। साखी गोपाल, और साखी देने के लिए वृंदावन से वो चलते चलते साखी देने के लिए कहाँ गए, वृंदावन से जगन्नाथपुर तक चले गए, साखी देने के लिए जगन्नाथ चलते चलते जगन्नाथपुर तक चले गए ठाकुर जी है। इसलिए हमारी संप्रदाय में तो इतने प्रमाण है, ठाकुर कैसे डायरेक्ट कैसे बात करते हैं। देखो एक माता जी दिल्ली से हमारा मंदिर में आती थी, अभी शायद है बहुत उम्र हो गई, वो उनको ना उनके पास में राधा कृष्ण की जुगल है, इतने सुंदर। जब जब आती थी वृंदावन से दो तीन जोड़ी लेकर के ठाकुर के लिए कपड़ा जाना है, हैं? दो तीन जोड़ी, उसको कुछ बच्चे रहते थे सिंगापुर में हैं? और कहीं रहते थे। जब मैया को जो बच्चे लोग देते थे ना, वो अपने लिए कुछ नहीं खरीदी करती थी, वो सारे पैसा को वो जोड़ जोड़ कर रखती थी, और महीना में वृंदावन एक बार आती है, और जितने गौड़िया मठ है ना, सब गौड़िया मठ में निमंत्रण देगी, और सारे साधु लोग आएंगे, अपना हाथों से कड़ी बनाएंगे। मंदिर में हमारे संत लोग तो खाना बना देते थे, वो अपना हाथों से वो कड़ी बनाया करते थे, कड़ी उनकी बहुत प्यारा था, बहुत बढ़िया बनाती थी। और ठाकुर को सामने जुगल सरकार रख करके वो हारमोनियम बजाना जानते थे, और हारमोनियम बजा बजा करके वो ठाकुर के सामने कीर्तन करते थे, ठाकुर के सामने बैठ करके दिन में 100,000 हरिनाम करते थे, 100,000 हरिनाम करते थे। जब महीना में एक बार आएगी जमुना में जाएगी, 30 दिन के लिए गोता लगाएगी, क्यों महीना में एक बार आती है 30 दिन के लिए, और रोज राधा दामोदर मंदिर में जाना और उसको परिक्रमा करना है, हरिनाम करना। अब सोच नहीं सकती उसकी इतने अनुभूति बात करती थी, मतलब मेरे ठाकुर को भी मान करके बैठ जाते हैं, है? कभी कपड़ा पहना तो कभी जो मान करते ना, जितने पहनाना चाहो पहनते नहीं ठाकुर जी, है? कपड़ा अपने आप खिसक जाता है,
कहते एक दिन अगर ये ठाकुर को मैं भजन नहीं सुनाऊ ना, ठाकुर जी गुस्सा कर लेते हैं, ठाकुर जी गुस्सा कर लेते हैं मेरे ऊपर में। वो इतनी अनुभूति की बात बताती थी, अब सुन सुन कर ना हम तो दंग हो जाते थे। उनको इतने सुंदर जुगल जोड़ी सरकार थी, रोज उनको अपना हाथों से अभिषेक करना, एक बहुत उम्र हो गई चल नहीं पाती तब भी ठाकुर को अभिषेक करना, ठाकुर जी को अपना हाथों से, इसकी उसकी अनुभूति हम सुन सुनकर दंग रह जाते थे। ठाकुर जी की इतनी अनुभूति वो बात बताया करती थी, ठाकुर मेरे कैसे बात करते हैं, कैसे स्वप्न देते हैं, ठाकुर कैसे मेरे, और सचमुच से अपना संपूर्ण जीवन दे कर उन्होंने ठाकुर जी की सेवा करते थे। रोज रोज ठाकुर को कपड़ा बदलाना, ठाकुर को अभिषेक करना, पंचामृत वगैरह। इसलिए अगर हम ठाकुर को ठीक ठीक से सेवा करोगे ना, आप देखना ठाकुर जी आपके साथ में भी बात करेंगे, ठाकुर जी हमारा साथ में भी ठाकुर जी बात करेंगे। इसलिए महाप्रभु अपना माँ को ये बात करे, बोले मैया कलियुग में मैं दो रूप में अवतरण होगा। कलियुग में अगर मुझे कोई प्राप्त करना चाहते हैं, पहले तो भगवान के नाम जप करें, और दूसरे जो अर्चा बिक रहे हैं इनको ठीक ठीक से ठाकुर जी की पूजा सेवा करें। ये दो रूप में कलियुग में अवतरण होगा भैया, तो कोई चिंता मत करो। तो महाप्रभु ने ठीक आज का दिन महाप्रभु संन्यास ग्रहण करेंगे है? अब जब सन्यास ग्रहण करेंगे, उनकी पत्नी थी विष्णु प्रिया, लक्ष्मी प्रिया तो पहले चली गई, पहले विष्णु प्रिया है। ये विष्णु प्रिया सवेरे रोज गंगा स्नान करने जाते थे। जब उसने सवेरे निकली गंगा स्नान करने के लिए, हर घर घर में पहले चौकट होता था, चौकट होता था, इतने में उसने चौकट में होचट खाकर गिर पड़ी, ठुकरा कर गिर, और उसको पैर से खून निकल गई। अब कहते ना सवेरे कुछ कुछ ऐसे चिन्ह होता है जो चिन्ह से पता चलता है दिन भर क्या होने वाले। बोले ये क्या हुआ, मैं घर से निकलते निकलते मेरा पैर में चोट लग गया, खून निकल गया, तो अपशगुन है। फिर जब गंगा में स्नान करने के लिए गई, अब कहते ना हमारे भारत में जब शादी होता है ना, स्त्रियां नाक में बेसर पहनती है, बेसर पहनती है, सुहाग स्त्री का लक्षण है। कहते जब गंगा में स्नान करने गई, जो शादी का समय में नाक का जो बेसर खिलखो, वो तो इतना इतना और ज्यादा गंभीर चिंता में बढ़ गई। ये क्या हो रहा है, कहते अपशगुन है, सारे अपशगुन है। फिर कहते पुरुष लोगों का अगर डाण आंख, डाण भुजा, डाण पैर अगर है, कहते अगर कंपन होता है, भड़कती है, ये सुबह है, और माताओं के लिए बाम, माताओं के लिए बाम आंख, लेकिन आज उनकी डाण आंख भड़क रही है, डाण भुजा भड़क रही है, मतलब ये सारे अपशगुन है। बोले इस सब में क्या देख रहे हो आप, इसको आज क्या देख रहे हैं। वो समझ गए कुछ आज बहुत बड़े कोई अनहोनी होने वाला है, अनहोनी होने वाला। जब से महाप्रभु गया गए, और गया से महाप्रभु जब वापस आए गया से, उसको बाद से महाप्रभु दिन रात कृष्ण प्रेम में डूबे रहते हैं, कृष्ण नाम लेकर के पछाड़ खाते हैं महाप्रभु, हा कृष्ण बोल करके इतने रोते इतने रोते। जब ठाकुर जी को पूजा करने के लिए जाते हैं, सालग्राम को दर्शन करते हुए कृष्ण की याद आता है, अजोर नयन में इतने रोते रो रो करके आंखों का आंसुओं से अपना कपड़ा गीली हो जाते हैं। फिर महाप्रभु कपड़ा छोड़कर फिर नया कपड़ा धारण करते हैं। फिर जब पूजा करने के लिए जाते हैं, बस वही सालग्राम को देख कर वही कृष्ण की याद आती है। लेकिन महाप्रभु जब से आए तब से विष्णु प्रिया से बात नहीं की, लेकिन आज महाप्रभु स्वयं संन्यास लेकर के जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपना हाथों से ना विष्णु प्रिया को सुंदर फूल माला से सजाया कर रहे, और सुंदर पानी की बिड़िया बना करके विष्णु प्रिया को खिला रहे। विष्णु प्रिया देख रही है, आज तक जब से गया से आए तब तो कोई बात नहीं कर रहे थे, आज इतने प्रेम भरी बात कर रहे हैं, पानी की बिड़िया बना कर खिला रहे हैं, अपना हाथों से श्रृंगार क्यों कर रहे हैं। आप देखना हड़के हड़की होता है ना, लैप होता है, वो जब बुझता है ना, धप 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 करके सब बुझ जाती है, जोर से होकर फिर बुझ जाती है। कहते मेरे को तो आज ऐसे लग रहा है ये ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, मतलब दाल में कुछ काला लग रही है, कुछ दाल में काला लग रही है आज। इसलिए महाप्रभु ने आज विष्णु प्रिया सोच रहे हैं, आज मैं सोग नहीं, जब से महाप्रभु गया से आए तब तक ये सोती नहीं, लेकिन आज ये सोच रही मैं सोई भी नहीं, लेकिन ऐसे लग रहा है मानो ये आंख को पलव के ऊपर में 100 मन के पत्थर को लाकर रख दिया,
बस सुना नहीं चाहने पर भी आंख अपने आप बुझते जा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं आंख खोलने के लिए, तो खोल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि महाप्रभु संन्यास लेकर जाएंगे, इसलिए महाप्रभु सबको जोग निद्रा में सबको सुला दिए हैं। सुला करके उन्होंने विष्णु प्रिया को छोड़ करके ठीक ब्रह्म मुहूर्त समय पर हैं, और ने विष्णु प्रिया को छोड़कर जब गए, सची मैया को पहले से पता है, हैं? पहले से सची मैया को पता है कि आज संन्यास ग्रहण करने वाले, इसलिए सची मैया दरवाजा के सामने सची मैया खड़ी हुई। महाप्रभु वहां पर गए और महाप्रभु माता जी को प्रणाम उन्होंने की करके अपना मैया को उनने परिक्रमा लगाई, हैं? परिक्रमा लगा तो ये मैया को सांत्वना वाणी दी, बोले भैया मैं कभी तुमको छोड़ूंगा नहीं, हैं? मैं तुमको कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे से जो दूर ज्यादा दूर नहीं रहेगी, मैं तुम्हारे पास में इतने ऋणी हैं, कहते करोड़ों जन्म में भी मैं तुम्हारी ऋणी कभी मैं चुका नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैया की इतना ऋणी है मैया की, जो कि कभी जीव कभी मैया की ऋणी कभी चुका नहीं सकती है मैया की ऋणी। बोले एक समय कोई एक प्रेमिका प्रेमिक को बोला अपना, बोले देखो तभी मैं तेरे को प्रेम करूंगी अगर तू मैया के अगर दिल लेकर के मेरे को दोगे। वो गया सचमुच से मैया को मार करके ना उसका दिल को ले आया, उसको दिल को ले आया। जब दिल को लाया वो आते समय हरे कृष्ण आते समय उसने ठोकर का करके गिर पड़ा तो वो दिल से आवाज आती है, बोले बेटा तेरे यार में चोट तो नहीं लगी। बोले माँ की जो दिल है ना, माँ की जो दिल है हम कोई सोच भी नहीं सकते, माँ की दिल कितने बड़ी होती है, हैं? कितने बच्चे को प्रति उसका प्यार है। इसलिए कल मैया कभी तेरे को मैं जन्म जन्मांतर में तेरे ऋणी कभी मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। उन्होंने मैया को प्रणाम करते हुए जब गए, मैया तो वहीं पर बेहोश हो गई, हैं? बेहोश हो गई। फिर महाप्रभु ने नवद्वीप में घाट निर्दया घाट, हम जाते ना नवद्वीप परिक्रमा में जहाँ स्नान करते हैं, उसी समय माँ की महिना ठंडी पानी, महाप्रभु निर्दया बन करके, उसका नाम निर्दया घाट है, महाप्रभु निर्दया बन करके उन्होंने गंगा नदी को पार हुए, पार करते हुए काटुआ एक स्थान है वहां पर उन्होंने गए, और जिन जिन भक्तों को उन्होंने बताया था मैं अमुक स्थान पर संन्यास ग्रहण करूंगा, सारे भक्त लोग ने मिल करके वहां पर गए। अभी महाप्रभु का जो केश कभी मुंडन करेंगे, जो नाई थी ना इतने सुंदर महाप्रभु का केश है, घुंघराली केश इतने, वो उसको काट नहीं पा रहा था, हैं? वो काटने के लिए जाए तो बोले भैया इतने सुंदर घुंघराली केश को मैं काटू कैसे, इतने सुंदर केश है। साक्षात कृष्ण ही ना, राधा रानी दोनों मिल करके, हैं? ये कृष्ण महाप्रभु का रूप बने, अभी काटे कैसे। महाप्रभु ने फिर अपना माया के द्वारा उनको मोहित करके फिर उन्होंने वो केस को उन्होंने कटवाए। फिर उन्होंने श्री केस कहते श्री केशव भारती को पास में संन्यास जब ले गए, अभी कौन सा मंत्र देते, कहते महापुरुष तो स्वयं कृष्ण है, वो जगत गुरु है, कृष्ण बंदे जगत गुरु, तो जगत गुरु है एक महाप्रभु, फिर वो सन्यासी फिर मंत्र कहाँ से ग्रहण करेंगे। इसलिए महाप्रभु ने क्या की, बोले देखो अपना गुरु जी को बोले मैं रात को मैंने एक स्वप्न, एक महापुरुष को आकर मेरे को स्वप्न देखा, स्वप्न दिया और कोई मंत्र दिया, अब ये मंत्र को था सुन करके देखो तो ये मंत्र सही है कि नहीं। बोले सुना, जो उन्होंने कान देकर सुने, फिर उन्होंने बोले जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मेरे कानों में ये मंत्र दिया। इसका मतलब है महाप्रभु पहले उनको अपना शिष्य बना दिया, क्योंकि ये जगत गुरु है ना, उनको कौन क्या मंत्र देगा, इसलिए महाप्रभु ने उनको पहले अपना शिष्य बनाया। शिष्य बना करके फिर उनसे क्या किया, महाप्रभु ने मंत्र ग्रहण किया, इसलिए उनका नाम उन्होंने रखा श्री कृष्ण चैतन्य सन्यासी का नाम। बोले इसका नाम श्री कृष्ण चैतन्य नाम क्यों रखा, है इनका नाम क्यों रखा, बोले चैतन्य मतलब होता है चेतनता प्रदान करना, और श्री कृष्ण मतलब जिसने संपूर्ण पृथ्वी को कृष्ण चेतनता का जो प्रदान करेंगे, है विश्व ब्रह्मांड में जो महाप्रभु का वाणी कृष्ण नाम को जो प्रचार करेगी, इसलिए उनका नाम पड़ेगा श्री कृष्ण चैतन्य नाम पड़ा इनका नाम।
फिर अपने श्री कृष्ण चैतन्य नाम को ग्रहण करते हुए महापुरुष सारे भक्त महापुरुष का संन्यास वेश को देख करके, पहले तो सुंदर कुकड़ाली केस थी, अभी संन्यास वेश को देख कर सबके सब रो रहे थे, सबके सब महापुरुष रूप दर्शन करके फिर महापुरुष वहीं से फिर चले जाते हैं जगन्नाथपुरी के लिए। जब जाएंगे इतने में उनको श्री नित्यानंद प्रभु रास्ता भटका करके उनको ले आए श्री शांतिपुर में। इसलिए जब आज का दिन कहते श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने आज का दिन संन्यास ग्रहण किया है, इसलिए आज का जो दिन है बहुत अच्छा दिन है हमारा संप्रदाय में। अभी यह प्रश्न है भगवान ये संन्यास क्यों ग्रहण किए हैं, कहते यहाँ पर शिक्षा देते हैं एक दिन सबको संन्यास लेना ही पड़ेगा, वो घर में हो केवल त्यागी होकर संन्यास ऐसे नहीं, घर में भी संन्यास हो सकते हैं, घर में भी संन्यास बन सकते हैं। इसलिए उसमें गाधर पंडित राधारानी गाधर पंडित राधारानी जब महाप्रभु कहते मैं संन्यास लूंगा, फिर गाधर पंडित कहते हैं तो क्या घर में रहकर भजन नहीं हो सकता है, गाधर पंडित राधारानी कहते घर में रहकर क्या भजन नहीं कर सकते हो, केवल संन्यासी बनकर क्या भजन कर सकते हैं, घर में क्या संन्यासी नहीं हो सकते है, घर में भी रह करके वो भी संन्यासी बन सकते हैं। कहते संन्यासी का मतलब होता है कहते सम्यक रूप में न्यास मतलब त्याग करना, बोले क्या है बोले संसार की जो आसक्ति, इसलिए वो त्रिदंड ग्रहण करते हैं, बोले त्रिदंड क्या है बोले काय मन और वाक्य। संन्यास का मतलब है जो अपना काय मन और वाक्य को दंडित करके भगवत सेवा में लगाना, अगर ये तीन चीज को जो दंडित करके त्यागी हो नहीं तो घर में हो, अगर कोई दंडित करके प्रभु को सेवा में लगा रहे ना कोई संन्यास है। इसलिए महाप्रभु का अक्सर करके भक्त तो घर में भी थे, ज्यादातर भक्त उनको घर में है ना, संन्यास कितना कम है, संन्यास तो कम है, अक्सर करके भक्त उनको गृहस्थ में थे, लेकिन घर में रहते हुए भी जैसे श्रीवास पंडित है वो गृहस्थ है, लेकिन गृह में रहते हुए भी इतने आदर्श है, उनका बेटा मर गया महाप्रभु कीर्तन कर रहे, बेटा मर गया घर में सबके सब रो रहे बेटा मर गया, लेकिन श्रीवास पंडित कहते हैं अगर तुम लोग रोओगे ना महाप्रभु घर में नृत्य कीर्तन कर रहे, अगर इनकी रोने की आवाज सुनकर के अगर उनको नृत्य कीर्तन में भंग होगा तो एक तो बेटा गया ही है मैं भी उसको साथ में आत्महत्या करूंगा, खबरदार चुप रहो, एक ना एक दिन तो मरना पड़ेगा ना, एक दिन तो मरेगा। लेकिन जहां सख्यात महाप्रभु नृत्य कीर्तन कर रहे हैं और उनकी कीर्तन सुनते सुनते अगर कोई संसार त्याग किया और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है, हमने थोड़ी बच्चों को जन्म दिया, ठाकुर की इच्छा से बच्चा आया है, जब तक हमारे पास में रहना रहा, जब ठाकुर जी की इच्छा हो गया रहने का ठाकुर जी ले गए, दिया ठाकुर ने लिया ठाकुर ने, फिर हम बीच में क्यों रोए, हम क्यों रोए। देखो ये गृहस्थ के आदर्श है और उन्होंने महाप्रभु की कितने सेवा की, अद्वैताचार्य उनकी पत्नी है सीता देवी महाप्रभु को सेवा के लिए संपूर्ण प्राण दे दिया, अगर हम घर में रहते हुए ठाकुर का सेवा करें भक्तों की अगर सेवा करते हैं गृहस्थ भी सन्यासी बन सकते हैं। गाधर पंडित कह रहे हैं महाप्रभु को घर में भी रह करके सन्यासी हो सकते हैं, इसलिए महाप्रभु कहते गृह वा बने पिता का सदा हरि बोलिता को घर में रहो, नहीं तो बन में कहीं भी रहो क्या करो भगवान की भजन कर। इसलिए आज महाप्रभु का सन्यासी का दिवस है, हैं? इसलिए हम सबके सब श्री महाप्रभु जी से प्रार्थना करें आप तो सन्यास लिए हैं आप भी हम सबको ऊपर में कृपा करो जैसे हम भी एक दिन सबके सब सन्यास ले सकते हैं। सन्यास मतलब वैसे नहीं, सन्यास मतलब होता है माया की बंधन को तोड़ करके काय मन और वाक्य से जैसे भगवान की और गुरु वैष्णव की सेवा हम कर सके, इसलिए महाप्रभु हम सबको ऊपर में यही आशीर्वाद दे। ठीक है बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ब्रज वृंदावन बिहारी लाल की जय।
देखता हूँ ब्रिजवीर में ना सब सन्यासी सचमुच सन्यासी है। अब जो परिवार यहाँ पर जुड़े हुए ना सचमुच से मैं देखता हूँ आप लोग सन्यासी सही सन्यासी सन्यासी से भी मैं देखता हूँ आप लोग बड़े हो आप लोग सन्यासी। मैं ऊपर से नहीं बोल रहा हूँ अंदर से बोल रहा हूँ क्योंकि ऊपर से सन्यासी लेकर मैं बहुत लोगों को देखा जो गुरु वैष्णव की सेवा की भावना नहीं है संपूर्ण रूप में। मैं लेकिन देखता हूँ ब्रिजवीर में मैं जब आता हूँ आप लोग जो परिवार जुड़े हुए हो आप लोगों का जो जीवन देखता हूँ गुरु वैष्णव की सेवा में जितने समर्पित है, हैं यही सब सबसे सन्यासी। इसलिए आप लोग गृहस्थ सन्यासी आप लोग गृहस्थ सन्यासी इसलिए कहीं कहीं पर गृहस्थ को ना सन्यासी से श्रेष्ठ बताया गया। बोले क्यों? बोले ये तीन वर्णों को गृहस्थ पालन करता है तीन वर्णों को ब्रह्मचारियों को सन्यासियों को और वानप्रस्थ। ये तीन वर्ण किसको पर डिपेंड करते हैं? ये गृहस्थ को पर डिपेंड करते हैं। ये गृहस्थ लोग ही ये तीनों वर्णों को गृहस्थ लोग पर पालन पोषण करते हैं। इसलिए कहीं कहीं बताया गया ये जो गृहस्थ है इन से ही ये तीन वर्ण पालन हो रहा है। इसलिए हम भी देखता हूँ जो ब्रिजवीन में सचमुच से ये ब्रिजवीन ही ब्रिजवीन है। ब्रिजवीन मतलब क्या? वृंदावन है ना। महाप्रभु बहुत सारे काम करना था बहुत सारे काम क्योंकि पहले बताया ना जब महाप्रभु गोपी गोपी कर रहे थे कुछ लोग समझ नहीं पाए महाप्रभु भावना को वो समझ नहीं पाए। जब समझ नहीं पाए महाप्रभु ने देखा मेरे चरण में अपराध कर रहे सबके सब लेकिन मैं जो सन्यासी हूँ सन्यास को सबके सब प्रणाम करते हैं। और भगवान को अगर कोई प्रणाम करे शास्त्र कहता है एक बार अगर कोई भगवान को प्रणाम करे संसार बंधन में समुक्त हो जाते हैं। इसलिए महापुरुष देखा सन्यासी लेकर घर घर में जाऊंगा है फिर तब प्रणाम करेंगे उसको तरह उद्धार होगा फिर महापुरुष का वाणी को प्रचार कर सकते हैं और सन्यासी को तरह और एक चीज दिखाई उन्होंने मतलब संपूर्ण रूप में अपना मन को प्रभु के चरण में ये संपूर्ण दे सकते हैं। उसमें और एक अर्थ है जो संपूर्ण रूप में सन्यासी ही संपूर्ण रूप में प्रभु के चिंतन में डूब सकता है। लेकिन हम एक साथ में सब नहीं कर सकते हैं हम धीरे 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 जैसे हमारे सुकृति बनेगा ना ठाकुर जी हमें धीरे 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 आगे बढ़ाएगा तो एक साथ में छलांग लगाएंगे तो पैर हाथ पैर टूट जाएंगे। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं स्थाने स्थिताम श्रुति गताम तनुवांग मनोवी जे प्रायोस अजीत जीत लगता। इस श्लोक में ब्रह्मा जी कहते बोले प्रभु स्थानीय स्थिता भगवान का एक नाम अजीत है। अजीत मतलब भगवान को पाना बहुत कठिन है अजीत जितना बहुत कठिन है। कैसे जीत सकते हैं? बोले भगवान हमें जिस स्थिति में रखे हैं उसी अवस्था में रहो हैं उसी अवस्था में रहते हुए काय मन और वाक्य को धरा काय मन वाक्य को धरा भगवान की कथा सुनो भगवान के भजन करो भगवान की भक्ति करो बस फिर क्या होगा करोगे तो क्या होगा एक दिन भगवान अजीत होने पर भी उनको जीत सकते हो फिर तुमको उनको पा सकते हो। इसलिए धीरे धीरे आस्ता 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 बड़े बड़े एक साथ हम छलांग नहीं लगा सकते ठीक है। बोले गौरांग बोलिते हवे फूल का शरीर हरि हरि बोलिते I'm
Thank you.
Thank you.